नमस्कार, देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं साजिद वाजिद के, साजिद साहब से। फ्रेंड्स, जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कई सारे गाने जो है वो दे चुके हैं। और जहां तक बात है सलमान खान के साथ उनकी फिल्म और उनके गाने की, तो वो फ्लेवर ही अलग होता है। लेकिन हाँ, ये कोविड के दौरान वाजिद जी अब इस दुनिया से रुख्सत ले चुके हैं। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, साजिद वाजिद के जो साजिद जी हैं उनसे मेरी मुलाकात हो गई और उनका एक नया गाना आ रहा है और उसी से रिलेटेड मेरी बात हो रही थी, इंटरव्यू हो रहा था। और ये गाना जो है उनकी बिटिया ने गाया है, अल्तमाश और मुस्कान, जो उनकी बिटिया का नाम है मुस्कान, उन्होंने गाया हुआ है। और म्यूज़िक भी जो उन्होंने लिखा है वो कहने के लिए साजिद जी का है, लेकिन इतने सुंदर तरीके से उन्होंने सिर्फ साजिद वाजिद अपने आप को यही कहलाना ठीक समझा। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि कुछ नाम हमेशा जुड़े रहते हैं आपकी ज़िंदगी से, साजिद वाजिद। और फिर बात करते करते मैंने उनसे यूं ही पूछा कि क्या होता है ना, इंडियन आइडल के जो पवनदीप राजन हैं वो हर एक के दिल में ऐसे ही घुसकर बैठे हुए हैं, जगह बनाकर बैठ गए हैं और निकलने का नाम नहीं लेते हैं, ऐसे जम गए हैं सबके दिलों में। सो इन लोगों ने पवनदीप को देखा था द वॉइस के दौरान, द वॉइस में बहुत सपोर्ट भी किया, बहुत ज़्यादा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देते गए। और मुझे अभी भी याद है एक क्लिपिंग में जिसमें वो इतने खुश हो गए, साजिद जी, साजिद वाजिद इनफैक्ट दोनों वहाँ पर थे, ये इतने खुश हो गए कि उन्होंने ये बोला कि अरे ये देखना, अभी ये लड़का तबला बजाते हुए गाना भी गा सकता है, आप तो देखिए, तो ऐसा है वैसा है। तो अचानक से मुझे वो क्लिप याद आ गई और मैंने फिर साजिद जी से पूछा कि क्या कहना चाहते हैं पवनदीप के लिए, अब इतने सालों बाद कैसे याद रहते हैं पवनदीप उनको। हमने इनफैक्ट द वॉइस में भी देखा था कि आपने उसको बहुत सराहा था जब वो तबला भी बजा रहा था और गाना भी गा रहा था। नहीं, बहुत टैलेंटेड है। और ये जो आर्ट है ना, तबला बजा के गाना गाना, ये बहुत ही डिफिकल्ट आर्ट है। बिकॉज आई प्ले तबला, आई यूज टू प्ले तबला, मैं बजाता था, तो मैं तबला बजाते वक्त बात भी करता था तो मेरे हाथ डिस्टर्ब हो जाते थे, तो मेरे को ये लगता था कि ये मेरे में नहीं है। जब मैंने इसको देखा तो मुझे ये लगा कि वाह यार, ये तो वाकई में बहुत टैलेंटेड है, तो मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग। फिर जब ऐसे में मैंने उनसे ये भी पूछा कि सलमान भी उनके साथ कई बार गाना गा चुके हैं, हाल ही में गाना भी आया था सलमान का, सलमान अली का, तो क्या सलमान अली के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी तो एसएस2 में पवनदीप के साथ एक को कैप्टन के तौर पर नजर आए हैं और सर्टनली मेहनती तो वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा गाता है, ऊपर वाले से गॉड गिफ्टेड है वो, और उसमें समझदारी भी, अदबदार है, बहुत अदबदार है और आपकी इज्जत करना जानता है। और मतलब कहीं भी मैंने एक चीज देखी है कि वो अगर उसका शो जो भी बुक करता है तो वो 100% देता है उस चीज के अंदर। एंड खैर, मेरे से तो दुनिया मेरे को उसके बारे में बोलती है कि अरे यार फोन नहीं उठाता है, ये मिलने नहीं आया। अच्छा। मगर मुझे पता है उसकी हकीकत कि वो वाकई में बहुत बिजी रहता है, बहुत ट्रैवल करता है। वो एक ऐसा सिंगर है जिसको आप फिल्मों में उसके गाने नहीं देख रहे हो, इसमें नहीं देख रहे हो, मगर वो शोज में बहुत बिजी रहता है, लोग बाग उसको बहुत प्यार करते हैं। एंड आई हैव माय ऑल माय ब्लेसिंग्स फॉर हिम एंड हिज फैमिली। साथ ही में उन्होंने एक बहुत समझदारी की बात कही है, वो भी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें अपने आप की पैठ बनाना कई बार थोड़ा लंबा समय भी लग सकता है, कई बार आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि पवनदीप को इन दोनों चीज़ की, मतलब पेशेंस की और मेहनत की, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी एक बड़े होने के नाते उन्होंने एक बहुत अच्छे उन्हें सुझाव दिए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये सुझाव आपको भी सुनने चाहिए, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस के साथ बहुत तजुर्बे के साथ वो ये बात अपने दिल से कह रहे थे, सिर्फ पवन को नहीं सारे ही सिंगर्स को। ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बात मैं बताऊं कि मैं ये जब जो अच्छा फनकार होता है वो किसी की सपोर्ट का मोहताज नहीं होता, अगर उसकी माँ उसके लिए कुछ अच्छी दुआ कर देगी तो कोई ना कोई जरिया आ जाता है, कोई यार दोस्त दुआ कर देगा तो जरिए, मतलब जब आप अच्छा कुछ करें, आपका कलेजा क्लीन रखें, तो ऊपर वाला जरिए भेज देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पूरी बातचीत आपको साजिद जी के साथ जो मैंने की है कैसी लगी, सर लिख कर बताइए। जय हिंद।